एक में तीन का भाग कितनी बार जाएगा अभी हम सीखेंगे। हमारे वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अभी अभी भाग सीखना शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी यह ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है 1/3। इसका मतलब भी क्या है, ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या का भाग देना है। चलिए हम भाग करते हैं एक में तीन का भाग। अब देखिए यहाँ पर यह आपका जो एक है, एक इस तीन से छोटा है तो हम भाग नहीं दे सकते। हम भाग तभी दे पाएंगे जब यह संख्या या तो तीन के बराबर हो या तीन से बड़ी हो। अब क्या करें ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका पॉइंट लगाते हैं। देखिए पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है, 0 और उसके बाद पॉइंट। जैसे यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे आपका एक 0 आ जाएगा। फिर इस 0 को हम इस एक के साथ ले लें तो आपका कितना बन गया, 10। 10 क्या है, यहाँ पर आपका इस 3 से बड़ा है, यानी हम 3 का भाग दे सकते हैं। अब 3 का पार्ट हम कितनी बार बोलें कि आपका 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 बार बोलें 10 से ज़्यादा आ गया। लेकिन मैं 3 बार बोलता हूँ तो 10 से ज़्यादा नहीं, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ पर आप 3 का पारा लिख भी सकते हैं, 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, 10 3 38। देखिए हमने 3 बार अपना पारा बोला तो कितना आ गया, 9 आ गया। 3 बार भाग चला गया, 9 को यहाँ लिखना। फिर हम माइनस किए हैं, कितना आ गया आपका, 1। देखिए पॉइंट केवल हमको 1 बार ही लगाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ अपना एक 0 लगाते जाएंगे। कितना बन गया, 10। तो फिर 10 में आपका कितना, 3 बार भाग चला गया, कितना आ गया, 9। फिर माइनस किया, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। फिर आपका 3 बार चला गया, फिर माइनस किया, 1 आ गया। तो दोस्तों यह है जो कुछ भाग ऐसे होते हैं जो आपके ऐसे आगे चलते ही रहेंगे, समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपका दोस्तों क्या आ जाता है, भागफल आ जाता है, यानी इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 0.3333 डैश डैश। ओके यहाँ पे ये आपका क्या बन जाता है, शेषफल बन जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, अपना भाजक कहते हैं, इसको हम अपना क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो इस तरीके से हम अपना भाग करना सीखे हैं। ओके धन्यवाद।